चलिए तो आज कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया बढ़िया। यस, पहला क्वेश्चन देखिए, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस थ्री कैसे कन्वर्ट करेंगे। लिमिट पुट करोगे तो 0.0 की फॉर्मेट बन रही है। कॉट स्क्वायर थीटा को लिख लेंगे, कॉट स्क्वायर माइनस प्लस वन माइनस फोर। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। तो कॉट स्क्वायर एक्स प्लस माइनस थ्री को लिख लेंगे वन माइनस फोर, और कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस फोर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कॉसेक एक्स प्लस टू कॉसेक एक्स माइनस टू, वन बाई साइन एक्स प्लस टू बचेगा और आंसर आएगा वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स प्लस टू, आंसर वन अपॉन वन बाई टू प्लस फोर। देखिए इसको समझ, देखिए कोई प्रॉब्लम इसमें। हाँ देखिए आराम से, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन था लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय टू, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय टू। क्वेश्चन है वन माइनस साइन क्यूब एच साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए कैसे किया जाए इसको, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू प्लस एच, एच टेंस टू जीरो तो एक्स टेंस टू पाई बाय टू कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस साइन क्यूब प्लस पाई बाय टू प्लस एच साइन नाइनटी प्लस थीटा कॉस थीटा, ये बन गया। फॉर्मूले में ब्रेक कर दो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये बन गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब लिमिट पुट कर दी तो आंसर आ गया थ्री बाय टू। चेक करिए जरा एक बार, बताइए क्या नहीं समझ में आ रहा, तो मैं सॉल्व करूं। ये देखिए अच्छे से, हाँ ये वाली लाइन, सो वन माइनस कॉस एक्स, यस सर, वन माइनस कैसे आया सब डिनोमिनेटर में सर, जो वन माइनस कॉस एच और वन प्लस कॉस एच है, सो वो कैसे आया? साइन स्क्वायर एच इक्वल टू लिख सकते हो वन माइनस कॉस स्क्वायर एच, और इसको लिख सकते हो वन का स्क्वायर। फॉर्मूले में ब्रेक कर दो ए प्लस बी ए माइनस बी। यस सर, सर आगे से सुनिए। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है पाई बाय टू माइनस एक्स टू कॉस एक्स अपॉन पाई बाय टू माइनस एक्स कॉट एक्स। तो क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू पाई बाय टू प्लस एच, एच टेंस टू जीरो एक्स टेंस टू पाई बाय टू, तो एक्स की जगह पाई बाय टू प्लस एच पुट कर दीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू प्लस एच, और ये हो गया। सॉल्व करने पर कितना आया देखिए, माइनस एच कॉस एच माइनस एच पाई बाय टू से पाई बाय टू कैंसिल, ये एच साइन पाई बाय टू प्लस एच हो गया कॉस एच, और ये हो गया कॉस पाई बाय टू प्लस एच माइनस साइन एच। तो माइनस माइनस प्लस टू साइन एच अपॉन माइनस माइनस एच, और ये प्लस कितना टेन एच, ठीक है, इसका माइनस साइन कॉमन लेके ऐसा कर दिया। अब इसके बाद क्या कीजिए, एच का डिवाइड कर दिए पूरे में, तो आइडेंटिटी बन गई लिमिट वाली, और ये सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। देखिए जरा क्या प्रॉब्लम आ रही, सही है, इजी क्वेश्चन, पहले बताइए क्या दिक्कत आ रही है।
मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, बन जाएगा। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 2 to the power x minus 1 अपॉन 10 a अपॉन 2 to the power x। हाँ ये न्यू क्वेश्चन है बच्चों, न्यू है, ओके, एकदम नए टाइप का क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 2 to the power x minus 1 अपॉन a अपॉन 2 to the power x। तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया नया वेरिएबल z इक्वल टू a अपॉन 2 to the power x। अब x अगर इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो z किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। तो 2 to the power x minus 1 क्या बनेगा, 2 to the power x minus 1 इक्वल टू 2 to the power x अपॉन 2 बन जाएगा। 2 to the power x को क्या मैं लिख सकता हूँ, a by z और अपॉन में 2 यानी 1 by 2, तो क्या बन गया a by 2z। क्वेश्चन बनाओ तो 2 to the power x minus 1 की जगह बनेगा 2 to the power x minus 1 10 a upon 2 to the power x क्या बनेगा a by 2z और 10 और a upon 2 to the power x को क्या मान लिया था आपने z, तो a by 2 बाहर आ गया, 10z by z अंडर द लिमिट आ गया 1, आंसर आ गया a by 2। गुड क्वेश्चन, बहुत ईजी है परंतु डिफिकल्ट, थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दो क्वेश्चन अच्छे अच्छे। x tends to pi by 4 tan x tan cube x minus tan x upon cos x plus pi by 4। सॉल्यूशन, लिमिट x tends to pi by 4 tan cube x minus tan x upon cos x plus pi by 4। लिमिट x tends to pi by 4 tan x कॉमन ले लिया, tan square x minus 1 upon cos x का फॉर्मूला रख दो इसमें, cos x plus pi by 4 का cos a into cos b माइनस साइन ए इंटू साइन बी से ये बन जाएगा। अब टेन स्क्वायर एक्स को तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स हो गया ये। हाँ ब्रेक कर लिया, देखिए तो क्या बच गया, माइनस टू टू बाहर आ गया, साइन एक्स बाहर आ गया और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये कैंसिल हो गया, नीचे बचा कॉस क्यूब एक्स रूट टू और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये बन गया साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर नीचे कॉस क्यूब एक्स, ठीक है ना, साइन ए इंटू साइन बी का मल्टीप्लाई कर दिया तो फॉर्मूला अपने पास बन गया कितना, ये बन गया साइन ए इंटू साइन बी हो गया। यहाँ पे कुछ लिमिट रख दी गई है, अच्छा 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 लिमिट रख दी गई है, तो एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर प्लस एच हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिमिट चेंज करिए तो x इक्वल टू पाई बाई फोर प्लस एच साइन पाई बाई टू प्लस एच और साइन कॉस क्यूब पाई बाई फोर प्लस एच। चलिए अब इसके बाद क्या किया गया, देखिए साइन पाई बाई फोर प्लस एच टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया गया है ना, साइन ए प्लस बी कॉस साइन पाई बाई फोर प्लस एच ये है, तो इसमें शायद फॉर्मूला लगाया गया है, यहाँ पर देखिए क्या किया गया, समझेंगे इस चीज को। हाँ तो इसको ओपन कर दिया गया है फॉर्मूले से, साइन ए इंटू साइन बी और ये भी इसमें भी ओपन कर दिया गया है, साइन पाई बाई टू प्लस एच को कॉस एच और इसको ओपन कर दिया गया है और ये बन गया कॉस क्यूब पाई बाई फोर प्लस एच, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्मूले से ये ओपन कर दिया गया है और रूट टू ऊपर आ गया रूट टू का क्यूब। नाउ एक साइन एच कॉस एच माइनस साइन एच का होल क्यूब है, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे यदि, तो ये क्या हो गया अपने पास कॉस एच रूट टू और एक रूट टू से एक रूट टू कैंसिल, एक टू बाहर आ गया, साइन एच प्लस कॉस एच अपॉन कॉस एच माइनस साइन एच, वैल्यू पुट कर दो 0 प्लस 1
अपॉन वन माइनस जीरो का होल क्यूब इक्वल टू माइनस फोर। आराम से टाइम देके देखिए, थोड़ा हल्का सा बिटर डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट बन जाएगा, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक एडजस्टमेंट लगे हुए हैं परंतु बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगाई गई है। बताइए कोई दिक्कत हो तो आराम से देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। डिनोमिनेटर में सर 1/√2 cos x माइनस sin x कैसे है? कौन सा? ये वाला? ये वाला? इसके ऊपर वाला सर डिनोमिनेटर। अच्छा ये कैसे आया 1/√2 cos x माइनस sin x? अच्छा इसको यदि ओपन करोगे आप cos x plus pi by 4 को, तो cos of a plus b का फॉर्मूला लगेगा। cos a plus b क्या हुआ करता है? cos a into cos b minus sin a into साइन बी, ये होता है। तो कॉस एक्स प्लस फाइव बाई फोर को ब्रेक करोगे तो आएगा कॉस एक्स इंटू कॉस फाइव बाई फोर माइनस साइन एक्स इंटू साइन फाइव बाई फोर। समझ गए? यस सर। और कॉस फाइव बाई फोर कितना होता है? 1/√2। साइन फाइव बाई फोर कितना होता है? 1/√2। तो ये दोनों हो गए 1/√2, 1/√2। 1/√2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? cos x minus sin x। ठीक है? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू पाई, लिमिट x टेंड्स टू पाई 1 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन कॉस x बाई 2 x कॉस x बाई 4 माइनस साइन x बाई 4। क्या पुट करो? लेट x इक्वल टू पाई प्लस एच, तो 1 माइनस साइन पाई प्लस एच बाई 2 cos of pi plus h by 2 cos of pi plus h by 4 minus sin pi plus h by 4। ठीक, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। देखिए वन माइनस साइन पाई प्लस एच बाई टू, इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू प्लस एच बाई टू यानी कॉस एच बाई टू। तो वन माइनस साइन पाई बाई टू प्लस एच बाई टू यानी कॉस एच बाई टू, और ये हो जाएगा कॉस पाई बाई टू प्लस एच बाई टू मतलब साइन एच बाई टू, और यहां पे हो जाएगा cos pi pi plus h by 4 और minus sin h plus pi by 4, बाकी जगह वही पे बना रहेगा। ठीक है, तो देखिए तो वैल्यू पुट कर दी हमने, और ये इसके बाद हमने इसको वैल्यू पुट करने के बाद इस तरीके से फंक्शन को एडजस्ट कर लिया। 1/√2 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ किया, क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे तो 1/√2 बाहर निकल आएगा, जैसे पिछले बार में निकला था वैसे इसमें भी बाहर निकल आएगा, है ना, क्योंकि पाई बाई फोर की स्ट्रक्चर बन रही है, तो 1/√2 दोनों में बाहर निकल गया। चलो अच्छी बात है, निकल गया। अब इसके बाद 1 माइनस कॉस एच बाई टू अपॉन साइन एच बाई टू, और यहां पे देखिए 1/√2 तो है, तो क्या करेंगे साइन एच बाई फोर कॉस एच बाई फोर, और कैसे ब्रेक कर दिया इसको, हाँ इसको काटा कुटी कर दिया अपन ने, जो जो कैंसिल होना था कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्या बन गया अपने पास, अपने पास बच गया
साइन एच बाई टू और टू साइन एच बाई फोर, टू साइन एच बाई फोर और रूट टू सब पलट करके सबसे ऊपर चला गया बैठा हुआ है, ठीक है। तो 2 से 2 sin h by 4, अब 1 minus cos square, 1 minus cos h is equal to 2 sin square h by 2, और minus sin minus से cancel हो गया, और sin h by 2 और sin h by 4, now root 2 equals to sin h by 4 upon sin h by 2, ये हो गया, sin h by 4 upon sin h by 2, बाकी की value हो गई 1, तो root 2 sin h by 4 upon h by 4 और h by 2 sin h by 2 upon 1 into 1 by 2, तो ये simplify हो गया है और इस तरीके से इसको swap कर लेंगे तो answer आ जाएगा 1 by root 2, ये आ गया answer 1 by root 2। चलिए देखिए कहीं पर problem हो तो बताइए, आराम से देखिए कहीं problem हो तो बताइए। ठीक है जय, चले आगे। चलिए तो ये आपका अगला एक्सरसाइज होमवर्क है आपकी, ठीक है ना। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3 4 5 6, 2 का 1 2 का 2, 2 का 3, 2 का 4, 2 का 5, 2 का 6 करना है एंड 3 का 1, 4 का 1, 2 3 4 भी कंप्लीट करने हैं। अगले भी कुछ और होमवर्क हैं वो भी कर लीजिए, ये सारे होमवर्क आपके लिमिट के हैं, ये सब मैं आपको दे रहा हूं, देख लीजिए इसको अच्छे से। ये फिफ्थ सिक्स, फिफ्थ का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, फिर सिक्स में आइए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है ना। फिफ्थ करिए सिक्स, सेवन्थ का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एट्थ का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, नाइन्थ का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, और टेंथ का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स। तो अच्छे खासे क्वेश्चन दिए गए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, करिए सारे के सारे होमवर्क है। ठीक है, फिर इसके बाद भी और भी हैं भाई, वो भी देख लेंगे, कोई दिक्कत करेंगे तो बता देंगे। 11th का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, 12th का फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये इसके सारे के सारे आंसर्स दिए गए हैं, जितने मैंने ऊपर क्वेश्चन दिए हैं इन सब के आंसर्स। चलिए ये इनके जो जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहे हो उनकी ट्रिक दी गई है कि किस तरीके से करना है, जैसे 2 sin x - sin 2x को इसमें कन्वर्ट कर लो, है ना, 1 minus cos x plus 10 square x को, 1 minus cos x को 2 sin square x plus 10 square x, इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं और इस तरीके से। तो जो उसमें आपको डिफिकल्ट है उसके लिए ट्रिक्स भी दी गई हैं, उनको भी आप ट्रिक की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं यहाँ पे 9, 10, 11, 12, हाँ ये हिंट है इनके, जैसे इसमें सिक्स है, फिफ्थ में फिफ्थ में ये हो गया, सिक्स में ये हो गया, सेवेंथ में ये है, एट्थ में ये है, एट्थ का फर्स्ट, एट्थ का सेकंड, नाइन्थ का थर्ड, नाइन्थ का फिफ्थ, टेंथ का फोर्थ है, टेंथ का फर्स्ट है, इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आप जो हैं करिए। अब आगे का मतलब है लिमिट, लिमिट एट इंफिनिटी एंड इनफाइनाइट लिमिट्स। चलिए पढ़िए बेटा, मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी। मीनिंग
ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी एंड इनफाइनाइट लिमिट्स. फर्स्ट मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू इनफिनिटी, इफ x इज अ वेरिएबल सच दैट इट कैन टेक एनी रियल वैल्यू हाउएवर लार्ज, देन वी से दैट द वेरिएबल x अप्रोचेस पॉजिटिव infinity and write this as x tends to positive infinity or as x tends to infinity. Illustration first, if x tends to infinity, then the variable x would be capable of assuming values even greater than 1 lakh or even greater than any number which is greater than 1 crore. Meaning of x tends to minus infinity. Infinity. If x is a variable such that it can take any real value, however small, then we say that the variable x approaches minus infinity and write this as x tends to minus infinity. Illustration 2. If x tends to minus infinity, then the variable x would be capable of assuming values even less than minus 1 crore or even less than any number which is less than minus 1 crore. Yes. So, yeah, infinity ka number. x बहुत बड़ी वैल्यू ले सकता है पॉजिटिव में और x बहुत छोटी वैल्यू ले सकता है नेगेटिव में. ये मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी एंड x टेंड्स टू इनफिनिटी. पढ़िए लिमिट ऑफ इनफिनिटी. लिमिट एट इनफिनिटी ऑफ अ फंक्शन, लेट fx बी अ फंक्शन ऑफ x, द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन fx एंड अ कांस्टेंट L can be made as small as we please by taking values of x as x tends to infinity. Then we say that limiting x tends to infinity, fx is equals to 1. Similarly, if numerical difference between fx and a constant L can be made as small as we please by taking values of x as x tends to minus infinity, then we say that limiting x tends to minus infinity, fx is equals to L. तो जैसे ये फंक्शन जो है अप्रोच कर रहा है माइनस इनफिनिटी में, वैसे इसको इस तरफ प्लस इनफिनिटी होना था. माइनस इनफिनिटी पीछे जाएगा तो माइनस इनफिनिटी में किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, एल की तरफ. तो हम लिखेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इनफिनिटी इक्वल्स टू एल. इनफिनिटी इनफाइनाइट लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है ना, इनफाइनाइट लिमिट ऑफ अ फंक्शन पढ़िए. Finite limit of the function. Let fx be a function of x. If the value of fx can be made greater than any pre-assigned number by taking x close to a, then we say that limiting x tends to a, fx is equals to infinity. चलिए फिर से पढ़िए. The value of fx can be. फिर से पढ़िए. Let fx be a function of x. If the value of fx. Let fx be a function of x. If the value of fx can be made greater than any pre-assigned number by taking x close to a, then we say that x tends to a, fx equals to infinity. Limit x tends to a, fx equals to infinity. देखिए x equal to a पर इसकी value जो है infinity की तरफ जा रही है. Similarly x equal to minus में पढ़िए. आवाज कट रही बेटा आपकी. Less than any pre-assigned number by taking x close to a. Similarly, if the value of fx can be made less than the any pre-assigned number by taking x less close to a, x close to a, then we can say limit x tends to a, fx equal to minus infinity. जैसे कि यहाँ पर आप जो है a के पास कोई भी नंबर ले लो, x a के लेफ्ट में, तो इसकी जो वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी की ही तरफ जा रही है a पर, तो हम कहेंगे लिमिट x tends to a equal to minus infinity. Mm-hmm.